हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नुपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को विटामिन ई कैप्सूल कैसे अपने हेयर में या बालों में यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में कुछ बातें शेयर करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक विटामिन ई कैप्सूल के ऊपर वीडियो बनाया था जो फेस में यूज़ करने के लिए या बालों में भी यूज़ करने के लिए, लेकिन पर्टिकुलरली आप लोगों से क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि मैं बनाऊँ एक वीडियो कि कैसे विटामिन ई कैप्सूल हम अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत कोई नहीं जानते हैं कि वो कैसे करके यूज़ करना होता है, तो मैं आज आप लोगों को ये डिटेल्स में बता दूंगी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स के साथ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में, जिससे मैं जब आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूं हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए। और मेरे स्क्रीन पे जो नंबर जा रहा है उस पर आप लोग अपने कंप्लेन या अपने प्रॉब्लम, अपने जो भी बातें हैं वो व्हाट्सएप करके करेंगे तो मैं आप लोगों को टेलीफोनिकली कॉन्टैक्ट करूँगी, आप लोगों को समस्या को सुलझाने की कोशिश करूँगी। तो हाँ, विटामिन ई कैप्सूल जनरली हम जानते हैं कि हमारे बाल कई कारणों से झड़ सकते हैं, कभी हम जब स्ट्रेस में होते हैं तब बाल झड़ते हैं, या कोई बड़ी बीमारी से जब जूझते हैं तब भी हमारे बाल झड़ते हैं, कई बार कोई कारण नहीं होता है तो भी बाल झड़ते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे लोग अपना बालों में ऑयल मसाज नहीं करते हैं, तो जब हम बालों में ऑयल मसाज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्कल का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है। तो जब आप अपने बालों में या सर पे अच्छे से ऑयल मसाज करेंगे तो अपने आप उसमें ब्लड सर्कुलेशन होगा और उससे आपका हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसमें विटामिन ई कैप्सूल को यूज़ करने के लिए उसके और क्या है ना, हर आदमी का कम से कम 50-60 बार डेली गिरना मामूली बात है, उसको लेके टेंशन नहीं करना कि अरे मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं, ये रेगुलरली सभी के झड़ते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो या गुच्छों में बाल झड़ के आ रहे हों, आपके माथे के बीच बीच में पैचेस दिखने लगे हैं तो सचमुच वो डरने वाली बात होती है, तब ज़रूर आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ में कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जब थोड़ा बहुत बाल झड़ रहा है या आपके बालों के शाइनिंग चला गया है तो उस मामले में ये विटामिन ई कैप्सूल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पैरासूट का या कोई भी नारियल तेल आप लीजिए, जो कोकोनट ऑयल बोलते हैं वो कोकोनट ऑयल लीजिए, और साथ में ये है कैस्टर ऑयल। कोकोनट ऑयल हम सदियों से जानते हैं कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, जब इससे बाल अगर आप मसाज करते हैं तो आपके बालों का ग्रोथ अपने आप ही होता है, बालों में शाइनिंग आ जाती है, बाल झड़ते नहीं हैं। तो कोकोनट ऑयल आप जरूर लें, एक चम्मच ये कोकोनट ऑयल लें, और ये है आपका कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी आप लोग सब जानते हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, ये बालों को नरिशमेंट बहुत अच्छा करता है, और ये भी एक चम्मच लें। और ये विटामिन ई कैप्सूल आपको कोई भी मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगा, और बिल्कुल एक पत्ता आपका 20 रुपये में आ जाता है। तो इसमें से आप 3-4 कैप्सूल ले लें, तोड़ के उसमें अंदर जो जेल होता है वो जो आपने नारियल तेल और कैस्टर ऑयल लिया है उसमें मिक्स करके अपने स्काल्प में बहुत अच्छे से हल्के हाथों से कीजिएगा, बहुत ज़्यादा रब नहीं कीजिएगा, हल्के हाथों से अच्छे से उसमें मसाज कर लीजिए। और ये आपको बालों को कंडीशन भी करेगा, बालों में एक शाइनिंग लाएगा, या फिर जहाँ से बाल झड़ गए हैं वहाँ फिर बालों को नया रीग्रोथ कराएगा।
तो इसमें बहुत अच्छा इसका मदद करेगा आपको विटामिन ई कैप्सूल आपके बालों को ग्रोथ करने में या बालों में शाइनिंग लाने में। तो ये तीनों को मिक्स करके आप अच्छे करके पूरे बालों में मसाज कीजिए, और ये आप अगर हफ्ते में 2 दिन करेंगे तो ही काफ़ी है, और ये रात को सोने के समय कर लीजिए करके। फिर नेक्स्ट दिन सुबह उठ के आप जब शैम्पू करते हैं तो आपके जो भी माइल्ड शैम्पू कोई से अच्छे से बालों को धो लीजिए, जो आपका सूट करता है जो शैम्पू उससे अच्छे से बालों को धो लीजिए, शैम्पू कर लीजिए। देखिए ऐसे अगर हफ्ते में आप 2 बार करेंगे तो कम महीने 1.5 महीने के अंदर ही देखिएगा आपके बालों में एक नया चमक आ गया है, फिर से अच्छी से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। जिनके बाल नहीं झड़ते हैं वो भी इसको अगर करेंगे तो उसे भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और नेक्स्ट मैं बताऊँगी ये जो एलोवेरा जेल आता है, एलोवेरा जेल आपके घर पर अगर गमले में पौधे हैं तो वो ले सकते हैं, नहीं तो मार्केट का बना हुआ जो जेल आता है ये जेल ले लीजिए 1-1.5 चम्मच, ये जो आपके जितना बड़े बाल हैं उस हिसाब से 2 चम्मच भी ले सकते हैं। उसके साथ में ये विटामिन ई कैप्सूल 3-4 तोड़ के जो उसके अंदर का जो जल है वो एक कटोरी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए करके अपने बालों में शैम्पू करने से 2-3 घंटे पहले लगा लीजिए, अच्छे से पूरे बालों में मसाज कर लीजिए, और फिर 2-3 घंटे बाद कोई भी शैम्पू के साथ में उसको वॉश कर लीजिए। देखिए बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जो विटामिन ई कैप्सूल के बारे में बताया वो आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और आप मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।